छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त ने रायपुर में बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने के साथ ही गुरुवार को दोपहर 3 बजे आचार संहिता खत्म हो जाएगी। चुनाव में 83.55% मतदान हुआ। चुनाव के दौरान निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वाले जो अधिकारी और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई हुई है। उन्होंने बताया कि पूरी निर्वाचन प्रक्रिया में 29,757 मतदान केंद्रों में मतदान के दौरान हिंसा, बलवा, लूट, बूथ कब्जे की कोई भी घटना नहीं हुई। इसमें 8,908 संवेदनशील और 3,448 अति संवेदनशील मतदान केंद्र थे। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सत्या राजपूत ने। इस वक्त हमारे साथ राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह मौजूद हैं। सर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हो गए, क्या रहा पूरा प्रतिशत इस बार? देखिए, पूरे तीनों चरणों के मतदान हुआ था, उसमें इस वर्ष का जो मतदान है 83.55% रहा, 83.55%, जो पिछले 14-15 का जो चुनाव हुआ था उसकी तुलना में 5.7% अधिक रहा। और बात करें हम बस्तर क्षेत्र की, तो वहाँ 10.51% मतदान 14-15 की तुलना में अधिक हुआ और आयोग को इस बात की पूर्णतः संतुष्टि है। ये अधिकारी कर्मचारियों पे कार्रवाई भी किए हैं, कौन कौन से लेवल के अधिकारी हैं और कितने संख्या है? आयोग का पूरा दृढ़ मत था, आयोग उसमें बहुत काफी मजबूती से डटा रहा कि कोड ऑफ कंडक्ट के पालन में कोई समझौता नहीं। जहाँ बात आती निर्वाचन की, तो निर्वाचन स्वतंत्र हों, निष्पक्ष हों, मतदाता निर्भीक होकर मतदान कर सकें, इसमें कोई समझौता नहीं। और इसमें जहाँ जहाँ बाधा आई है, आपको जिलों में मतदान दलों को निलंबित किया गया है, किसी जिले में तो पहली बार चुनाव में 3-3 रिटर्निंग अफसर को कार्रवाई की गई है जिन्होंने अपने चुनाव में, मैंने कहा कि दो शब्द फ्री एंड फेयर, जहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन में बाधा आई होगी वहाँ पर हमने कार्रवाई भी सुनिश्चित की है। एक बस्तर में, एक मुगेली में, बालोद में और रानंदगांव में, और बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। पुनर्मतदान की स्थिति बनी है, वो पंचों के पदों पर कहीं जगह मतपत्र की मुद्रण की त्रुटि हुई, दो चार जगह उसकी रिपोल भी हुआ है, कुछ जगह 4 को हुआ है, 5 को हुआ है, आज भी दो जगह 3 बजे समाप्त हो जाएगा। बहुत छोटी छोटी त्रुटियाँ थी उसके कारण हुआ है। और अगर तुलना करें चुनाव की, तो बहुत साधारण संख्या है, बड़ी संख्या में या बड़ी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिससे कोई मतदान बाधित होगा हो, और सबसे बड़ी बात परिणाम प्रभावित हुआ हो। तो अभी आपने सुना ठाकुर राम सिंह को, जिनके साफ कहना है कि मतदान पूर्ण शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है और आज 3 बजे के बाद आचार संहिता समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह तीनों चरण है, उसके पूरी जानकारी दी। कैमरा मैन जगह के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।